नमस्कार, मैं साधना और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधनाज किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू सभी के फेवरेट होते हैं, और लेकिन जब इसे हम अपने घर में बनाने की सोचते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बूंदी बनाना, क्योंकि कभी बूंदी लंबी बन जाती है, कभी मोटी बन जाती है, तो परफेक्ट बूंदी बना ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा मार्केट से ही परचेज करने पड़ते हैं। तो लेकिन आज हम ऐसी ट्रिक फॉलो करेंगे जिससे हम घर में ही बहुत ही आसानी से मोतीचूर के लड्डू बना पाएंगे और उसे घर में ही सभी के साथ एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 कटोरी चने की दाल। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप दाल को ज़्यादा देर तक ना भिगोएं, क्योंकि ज़्यादा देर तक भिगोने से दाल में एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जो कि चीज़ को स्पॉइल कर देती है, उसमें अजीब सी गंध आने लग जाती है। तो 2 से 3 घंटे ही भिगोएं, इससे ज़्यादा ना भिगोएं। और भिगोने के बाद देखिए दाल इस तरीके से आराम से टूटेगी। अब इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका, हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। और कोशिश ये करें कि इसको पीसते समय पानी का इस्तेमाल ना करें। तो देखिए दाल को मैंने इस जार में पलट लिया है और इसको हम पल्स में पीसेंगे। और देखिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल इसी तरीके से दाल को डाल दिया है। और ये देखिए इस तरीके से दाल को मैंने रखा है, ना बहुत ज़्यादा महीन है और ना बहुत ही मोटी है, हल्की सी दरदरी है, बहुत ही हल्की सी दरदरी है। तो बस इसी तरीके से हमें दाल को पीस लेना। और अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो मोतीचूर के लड्डू तो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं, और इसीलिए मैं मोतीचूर के लड्डुओं को देसी घी में ही तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन असली स्वाद तो देसी घी में ही आता है। तो ये मैंने घी लिया है और घी लगभग गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और वो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और अब इसमें हम इस तरीके से पकौड़ियाँ डालेंगे, जैसे कढ़ी बनाते समय हम बनाते हैं ना पकौड़ियाँ बेसन की, बिल्कुल उसी तरीके से बना के डाल देना इसमें। तो जब ये एक साइड से थोड़ी सी सिक जाए तो इसे पलट दें। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, बस 2 से 3 मिनट ही सेकना है। और इसका कोई हमें कलर भी चेंज नहीं करना है, बस इतना सेकना है कि बेसन जो है थोड़ा सा अंदर से पक जाए। तो बस 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और इन्हें चलाते समय ये देखिए आवाज़ कर रही है एक दूसरे से टकराने पर। तो इसी स्टेज पे हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं, और जब तक पकौड़ियाँ ठंडी हो रही हैं तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैं इस पैन में चाशनी तैयार करूँगी, और क्योंकि मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली थी तो मैं 2 कटोरी ही चीनी लूँगी। जितनी आप दाल लें उतनी ही चीनी लें, 1 कटोरी 2 कटोरी चीनी का आधा पानी। तो 2 कटोरी चीनी ली थी तो 1 कटोरी हम पानी डालेंगे, और इसे चलाएंगे। जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। हमें यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस जैसे ही चाशनी चिपकने लग जाए दोनों उंगलियों के बीच में, हम चेक करेंगे रखकर, तो हम चाशनी को उतार देंगे। यहाँ पर कोई तार वाली चाशनी हम तैयार नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑरेंज कलर, इसमें डालेंगे हरी इलायची पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसे मिक्स कर देंगे।
तो जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम चलते हैं अपनी पकौड़ियों की तरफ। तो पकौड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं और उन्हें मैंने इस जार में डाल दिया है, और ये इस तरीके से तोड़ देंगे हम इन्हें छोटा छोटा। और अब हम इसे पीस लेंगे, बहुत महीन नहीं पीसेंगे, हल्का सा दरदरा पीसेंगे, और लगातार नहीं पीसना है, इसे पल्स में पीसना है। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और देखिए मैंने बहुत महीन नहीं किया है इसको। ये देखिए कैसे छोटे छोटे दानों के जैसे लग रहा है, जैसे मोतीचूर के लड्डू के छोटे छोटे मोती होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आया है पीस कर। तो इसको अगर आप लगातार चलाकर पीसेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला है कि इसको पल्स में पीसना है। थोड़ा सा पीसा फिर रोक दिया, फिर थोड़ा सा पीसा फिर रोक दिया, तो वो इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हमने जो बूंदी तैयार की है उसको अब मैं थोड़ा सा इस घी में कलहार लूंगी। मैंने सेम कढ़ाई ली है जिसमें मैंने पकौड़ियाँ तैयार की थी, और ये उसमें उसी का बचा हुआ है। तो मैंने लगभग आधे से ज़्यादा घी निकाल दिया है और बस 4 चम्मच घी इसमें छोड़ा है। इसको मैं इसलिए कलहार रही हूँ कि अगर इसमें हल्का सा कहीं कोई दाना कच्चा रह गया हो तो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए, जिससे सौंधे सौंधे मोतीचूर के लड्डू बने। तो देखिए बिल्कुल लग रही है ना वैसी ही बूंदी, और इसे हमने कितने आसानी से तैयार कर लिया। और बस हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और चलिए देखते हैं चाशनी हमारी तैयार हुई कि नहीं। और देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार है, और इसे हमें तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। जैसे ही दोनों उंगलियों के बीच में ये चिपकने लग जाए बिल्कुल रेडी है, समझिए। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बूंदी तैयार की है, और इसे मिक्स कर देंगे। और इसे 2 मिनट के लिए चलाएंगे जिससे बूंदी के अंदर तक इसका रस चला जाए। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और 2 मिनट के लिए इसे लेट से कवर कर देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और मैं लिड को हटा रही हूँ, और ये देखिए बूंदी ने कितने अच्छे से चाशनी को सोख लिया है। और ये देखिए बूंदी बिल्कुल वैसी है जैसे हम मोतीचूर के लड्डू में देखते हैं, देखिए बिल्कुल दानेदार बनी है। तो बस चलिए लड्डू बनाना शुरू करें। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़े खरबूजे के बीज, थोड़ा सा पिस्ता चॉप किया हुआ, और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी गर्म है तो बहुत ही सावधानी से करें। तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो आप क्या करें कि एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रखें और पानी में हाथ को डिप कर लें, और उसके बाद अगर आप बनाएंगे लड्डू तो आपको इतना गर्म नहीं लगेगा। तो ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो देखिए तैयार है मोतीचूर के लड्डू, और ये देखिए इस फेस्टिवल अपने घर में जरूर ट्राई करें ये रेसिपी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।